समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों। श्री डीमवाली माता मंदिर प्रेमनगर में आज से श्री पंडोखर सरकार के दिव्य दरबार का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले बालाजी महाराज का पूजन पंडित दिलीप पांडे प्रदेश उपाध्यक्ष ब्राह्मण समाज विधान सेवा समिति और ऋषभ झा अमित पांडे आदि ने किया। सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने भक्तों के दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान का आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर झांसी के भक्तों ने पुष्प वर्षा कर माला पहनाकर महाराज जी का स्वागत किया। मुख्य रूप से अखिलेश शर्मा, अशोक शर्मा, प्रदीप शर्मा, मनोज तिवारी, सोनू महाराज, धर्म क्रोशिया, राजू खरे, कपिल बंसल, संदीप, अभिषेक नारायण पाठक, राम कुमार ज्ञानी, श्याम सोनाकिया आदि ने किया। संचालन पंडित सियाराम शरण चतुर्वेदी गुरुजी ने किया। अंत में आभार श्रापित ऋषभ झा ने किया। झांसी से मनीषली की रिपोर्ट। महाराज पंडोखर सरकार मंच से हो चुके हैं। आप सभी भक्तों का महाराज जी यहाँ से आएंगे, ये सब जूटा पीछे करवाइए, थोड़े पीछे करिए इनको। माननीय दिलीप पांडे जी पूरे भाव श्रद्धा के साथ महाराज जी को मंच पर लेकर के आ रहे हैं। कैसे कोटि कोटि नमन है। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। हमारे बीच में बता रहे सभी भक्तों को गाली बजाकर के महाराज की जय। पंडोखर सरकार की जय। पूज्य भगवान की जय। पूज्य महाराज जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। सभी लोग महाराज जी का कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन है। मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे आचार्य जी से के विधि विधान के साथ हमारे दिलीप पांडे जी ऋषभ झा जी हमें सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, सभी मीडिया कर्मियों को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। झांसी हमारे लिए अशुद्धि नहीं है। झांसी में पूर्व आज से लगभग 17-18 साल पूर्व तहसील पर श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है, वहाँ एक बार मैं आ चुका हूँ। उसके बाद एक बाटका में भी पंडोखर सरकार का 3 दिवसीय दरबार लगा था और आज पंडित श्री दिलीप जी पांडे जी और झा जी के माध्यम से पुनः महारानी लक्ष्मीबाई के पावन नगरी में पंडोखर सरकार का 3 दिवसीय दरबार लोक कल्याण जनहित में सबके कल्याण कर के लिए अध्यात्म भारतीय संस्कृति के अनुकूल दैहिक दैविक भौतिक समस्या का समाधान पराशक्ति के माध्यम से श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की कृपा से सभी का समाधान, जैसे कि डॉक्टर चिकित्सक विज्ञान के जो वेदाचार्य हैं अपने यंत्र के माध्यम से शोध करते हैं, उसके बाद उपचार करते हैं, उसी प्रकार श्री पंडोखर सरकार का दरबार श्री हाथीवान महाराज की कृपा से आपके शरीर में ऐसी कौन सी व्याधि है, ऐसा कौन सा कष्ट है, उसके पीछे का क्या कारण है, साथ ही भौतिकवाद के भौतिक प्रश्न जो अनेक प्रकार के हो सकते हैं उनके प्रश्नों के आधार पर ही उनके उत्तर और साथ ही विधि बताकर उनको उपाय बता दिया जाता है। स्वयं कर्म करने के पश्चात ही कर्म प्रधानता है। कर्म करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी और कर्म नहीं करेंगे तो बताने मात्र से कार्य नहीं होता है। तो स्वयं भी कर्म करना पड़ेगा
यहाँ से बताया जा सकता है, उपाय बताया जा सकता है, विधि बताई जा सकती है, लेकिन संबंधित व्यक्ति को संबंधित विषय के लेकर जो उसका उपचार है, जो उसकी विधि है, वो करना पड़ेगा। जैसे कोई उदाहरण में पूछता है कि मुझे आईएएस बनना है, तो उसके लिए ही बताया जाएगा कि आपका योग बन रहा है, कब से कब तक है, किस सन में है, तो उसके लिए ये बता दिया जाता है क्यों क्यों पढ़ाई करें, आगे बढ़े। जो विस्मृत बुद्धि होगी, जहां आपको आपकी योग्यता आपकी बुद्धि के अंतर्गत याद नहीं हो रहा है और परीक्षा के दौरान आप विस्मृत हो रहे हैं, तो भगवत कृपा से आपको ज्ञात हो जाएगा और आशीर्वाद और स्वयं किया हुआ संघर्ष, किया हुआ मेहनत और की हुई अर्जित विद्या समय पर फलीभूत होगी। महाराज जी, ऐसे ज्ञात हुआ है कि सवाल करने से पहले ही आप जवाब दे देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो अभी आपको कुछ समय बाद दरबार में पता लगेगा ही। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों के नंबर नहीं आएंगे, हो सकता है कि आपके नंबर प्राथमिक रूप से प्रथम आप लोगों के ही नंबर पकड़ना प्रारंभ किए जाए, क्योंकि ये पंडों का सगा का दरबार है। ये तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मीडिया वालों को नहीं बुलाया जाएगा, या पुलिस प्रशासन के लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, या प्रिंट मीडिया को नहीं बुलाया जाएगा, या चिकित्सक विज्ञान के डॉक्टरों को नहीं बुलाया जाएगा, या एडवोकेट्सों को नहीं बुलाया जाएगा, या न्यायाधीशों को नहीं बुलाया जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, इसका समय आएगा उसको बुलाया जाएगा। झांसी की जनता के लिए क्या संदेश है? बुंदेलखंड के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड एक ऐसा स्थल है, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो बुंदेलखंड में जन्मे हैं। यहां पर नजदीकी ही ओरछा धाम है, जहां अयोध्या मिनी अयोध्या के रूप में जानी जाती है। यहीं पर सूरवाला शिववाला, सूरवाला ब्रह्मवाला, उना बालाजी मंदिर भी है, और यहीं से नजदीक पीताम्बरा पीठ भी है, और पीताम्बरा पीठ से लगी हुई पंडोकर धाम है। तो बुंदेलखंड के लिए, तो बुंदेलखंड के वासियों को और यहाँ के सभी आने वाले यात्रीजनों को, और जहां तक ये प्रचार प्रसार विज्ञान के मशीनरी यंत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोगों के द्वारा जहां तक ये बात जा रही है, तो बुंदेलखंड के लिए तो आशीर्वाद साधुवाद है ही, पूरे विश्व के लिए है। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, परमात्मा की प्रति श्रद्धा आस्था रखें।